नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो 10 से 15 सितंबर के बीच प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाकुंभ और अन्य निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीएम ने 10 सितंबर तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ के दौरान मुख्य पर्व पर वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। महाकुंभ में भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष फोकस रहेगा। साल 2025 में जनवरी के महीने में महाकुंभ का आयोजन होगा। 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए तैयारियां यूपी सरकार ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 10 से 15 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जाएंगे, जहां वो महाकुंभ और अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। यानी वाराणसी से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 सितंबर के बीच जा सकते हैं। 10 से 15 सितंबर के बीच यह कार्यक्रम का मौका। ऐसे में महाकुंभ और अन्य निर्माण कार्यों का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर तक सभी अधिकारियों को काम पूरा करने का निर्देश दे दिया है। महाकुंभ के दौरान मुख्य पर्व पर वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। महाकुंभ में भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं आज राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में उपचुनाव में जनता को साधने के लिए, उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए आज राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफी हद तक गिरा था। बीजेपी की सीटें भी अब की बार काफी ज्यादा कम आई थी। महज 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। सीएम आवास पर यानी सीएम हाउस पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। आप सभी को बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में हालांकि उपचुनाव की तारीखें अभी तक नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की चूक अब की बार नहीं करना चाहती। यही वजह है कि पूरी तरह से जोर शोर से तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना जनाधार काफी हद तक खोया, अपना कोर वोटर खोया, इसको देखते हुए फिर से एक बार जनता को साधने के लिए, संगठन को यूपी में मजबूत करने के लिए बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं मोहम्मद आसिफ के पास। आसिफ, अगर बात करें जिस तरह से आज राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक है, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी, बैठक को लेकर क्या कुछ खास और क्या कुछ विशेष? चुनाव को लेकर सीएम आवास पर एक अहम बैठक है और यह बैठक 12:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जो मंत्री, वह भी शामिल हो सकते हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। अब इसकी कमान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी है। 10 सीटों पर मंत्री उतारे गए हैं, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है और साथ ही साथ जो कमियां हैं
उसे दूर करने के लिए रिपोर्ट मांगी जा रही है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव को बड़ा झटका दिया पीडीएफ फार्मूले पर चलकर, इस तोड़ को लेकर बीजेपी पूरी तरह से बेचैन है और झटका देने के लिए अब पूरी तैयारी है। और यह बैठक भी काफ़ी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बड़ी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, अब खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाल रखी है। फिलहाल आपने भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था, बीजेपी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा, बीजेपी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब जब उपचुनाव का रण बीजेपी के सामने है, अब और साथ ही मोहम्मद आसिफ, अभी देश भर में जिस तरह से माहौल चल रहा है बीजेपी के पक्ष में कुछ खास नहीं है, हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, अब अगर बात करें यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव का रण, बीजेपी बढ़त हासिल करने के लिए क्या कुछ रणनीति अभी बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है? देखिए, बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, जो योजनाएं हैं उन्हें जनता के बीच बताने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को दी गई है। और इसके अलावा जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसके लिए चौपाल लगाने का भी कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सामने कहीं ना कहीं जो है, अगर बात करें समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी भी लगातार बैठक कर रही है और बीजेपी के हर रणनीति को विफल करने की योजना बना रही है। और ठीक उसी तरह बीजेपी भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो रणनीति बनी है चुनाव की, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से जो है योजना बनाई गई है। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी प्रभारी मंत्रियों की बैठक कर चुके हैं, कोर कमेटी की बैठक कर चुके हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और रिया, इस बैठक में सूत्रों का यह भी दावा है कि जिस तरह से जो प्रभारी मंत्री हैं, चाहे संजय निषाद हों या फिर ओम प्रकाश राजभर हों, इनके बड़बोले बयानों पर भी लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर लगातार बड़बोले बयान दे रहे थे, डॉक्टर संजय निषाद हैं वह भी बड़बोले बयान दे रहे हैं। अभी फिलहाल जिस तरह से उन्होंने टोपी को लेकर बयान दिया कि लाल टोपी लगाइए, डीएमएसपी सेलेक्ट करेंगे, इसका जनता में कहीं ना कहीं असर उल्टा जाता है। और जनता यह भी सोचती है कि नेताजी से एक बैकफुट पर आना पड़ा और अब की बार बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। क्या यही वजह माने कि अब की बार सीएम योगी आदित्यनाथ स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं? क्योंकि 10 सीटें, अब अगर इन 10 सीटों पर, जो ये उपचुनाव की 10 सीटें हैं, अगर इनमें बीजेपी को कहीं पर भी एक तरह से असफल बीजेपी रहती है तो उसका सीधा असर सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जाएगा। देखिए रिया, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सीटों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और मिल्कीपुर सीट पर कब्जा करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी रणनीति है। रोजगार मेला लगाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो है तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का, तो यह बदलापुर सीट कहीं ना कहीं दिख रही है और अपनी हार का बदला पूरा करने के लिए मिल्कीपुर सीट बीजेपी अपने पाले में करना चाह रही है। और यही वजह है कि जो राह है मोहम्मद आसिफ, वो इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जोर शोर से वहां पर डटी हुई है। तो चैलेंजेस बहुत है, चुनौतियां बहुत है, हालांकि उन चुनौतियों से बीजेपी पार पा पाती है या नहीं वो वक्त बताएगा। आप बने रहिएगा आसिफ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां पीपीएस अफसरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी के 24 पीपीएस अफसर अब आईपीएस बनेंगे। जी हां, आज दोपहर 12:30 बजे डीपीसी की अफसरों की बैठक होगी जिसमें 30 पीपीएस अफसरों के नामों पर मंथन होगा। इन 30 पीपीएस अफसरों में से 24 अफसरों को आईपीएस बनाया जाएगा, 24 रिक्त पदों पर पीपीएस अफसरों की प्रोन्नति होगी।
संघ लोक सेवा आयोग और यूपी शासन के अफसर इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां योगी सरकार पीपीएस अफसरों को बड़ा तोहफा देने वाली है। यूपी के 24 पीपीएस अफसरों को आईपीएस बनाया जाएगा, यानी उन्हें प्रमोट किया जाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे के करीब डीपीसी के अफसरों की बैठक होगी, जिसमें 30 पीपीएस अफसरों के नामों पर मंथन होगा। इन 30 नामों में से 24 को आईपीएस बनाया जाएगा, यानी 24 रिक्त पदों पर पीपीएस अफसरों की प्रोन्नति की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग और यूपी शासन के अफसर इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे चलते हैं मोहम्मद आसिफ के पास। मोहम्मद आसिफ, कहीं ना कहीं योगी सरकार आज पीपीएस अफसरों को बड़ी सौगात देने वाली है। 24 पीपीएस अफसरों को प्रमोट कर आईपीएस बनाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? लिया आईपीएस का कुलबा बढ़ने वाला है, 24 पीपीएस अफसरों को आईपीएस बनाया जाएगा, उनकी प्रोन्नत की जाएगी। और इसके लिए अगर बता दे तो यूपी सरकार ने 24 पीपीएस अफसरों के प्रोन्नत के लिए गृह मंत्रालय फाइल भेजी थी, जहां से हरी झंडी मिल गई है। आज 12:30 बजे पीपीएस अफसरों की डीपीसी होगी, जिसमें योगी सरकार के अफसर और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के भी अफसर मौजूद रहेंगे। यह चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 24 पीपीएस अफसरों को आईपीएस का दर्जा मिलेगा और उनकी तैनाती की जाएगी। हालांकि 30 अफसरों की प्रोन्नति की जाएगी, लेकिन जिसमें से 24 अफसरों की तैनाती की जाएगी। दीपावली के पहले योगी सरकार का पीपीएस अफसरों को बड़ा तोहफा भी माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी पीपीएस अफसरों के प्रोन्नत की फाइल भेजी गई थी, और आज जिस तरह से पूरी तैयारी की गई है, 12:30 बजे डीपीसी होगी और इसके बाद पीपीएस अफसरों की प्रोन्नति का रास्ता साफ होगा। और बता दें कि इसमें जिन पीपीएस अफसरों की जांच चल रही है या फिर जांच के दायरे में है, उनका प्रोन्नति नहीं होगी, उनको डीपीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से आईपीएस अफसरों का कुनबा बढ़ाने के लिए योगी सरकार कहीं ना कहीं जो है बेहद एक्टिव है, और आज इसी डीपीसी को देखते हुए बड़ी तैयारी योगी सरकार ने की है, और यह जो है डीपीसी जो है योगी सरकार के मंत्रियों, लोक योगी सरकार के अफसरों और लोक सेवा आयोग के अफसरों यहां पर अफसरों को। लेकिन मोहम्मद आसिफ, जिन 24 पीपीएस अफसरों का एक तरह से प्रमोशन होना है, उन्हें आईपीएस बनाया जाना है, क्या उनके नाम निर्धारित हैं, तय हैं? और आज जिस तरह से आपने कहा पीसी होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे, उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए रिया, अभी जो नाम है वह चयन किए गए हैं, लोक सेवा आयोग और योगी सरकार के अफसरों ने इन नामों का चयन किया है। अब नामों के चयन पर मुहर लगेगी योगी सरकार की और लोक सेवा आयोग के अफसरों की, तब जो है नामों का खुलासा होगा और उन्हें तैनाती दी जाएगी, और जिसकी जो है बड़ी गहनता से जो है डीपीसी होगी। और डीपीसी के दौरान अगर किसी पीपीएस अफसर के खिलाफ जांच है या फिर शिकायत लंबित है, तो उसे डीपीसी से बाहर कर दिया जाएगा, और जो अफसरों की जो ड्यूटी है, वह जो मेहनती है और इस जिसके ऊपर दाग नहीं लगा है, उनको ही डीपीसी में प्रोन्नति दी जाएगी। जी रिया, ठीक है मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा है, परियोजनाओं का अवलोकन, मीटिंग और उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो अधिकारियों संग कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे, बाबा विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, और भारत सेवाश्रम संघ सिग्रा भी जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम के अंतिम चरण के निर्माण कार्य को भी देखेंगे। सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का अवलोकन भी करेंगे, मीटिंग और उद्घाटन भी करेंगे।
साथ ही अधिकारियों के संग कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि वाराणसी में जो वाराणसी के द्वारपाल हैं बाबा विश्वनाथ काल भैरव के मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी के साथ भारत सेवाश्रम संघ सिगरा भी जाएंगे और स्टेडियम के अंतिम चरण के निर्माण कार्य का समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि वाराणसी में जो स्टेडियम बन रहा है अब वो लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में स्टेडियम के जो अंतिम चरण का निर्माण कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा करेंगे और महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए सिलाई मशीन भी वितरित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का ये दौरा, सबसे पहले आपसे उनका पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम जानना चाहेंगे और कितने बजे ये दौरा जो है शुरू होगा। जी बिल्कुल, ये बता दें कि दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर के बाद जो है वाराणसी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर दोपहर पहुंचने के बाद भारत सेवा आश्रम सिगरा पहुंचेंगे। वहाँ महिलाओं को जो है रोजगार पर बनाने के लिए सिलाई वितरण का कार्यक्रम है, इसमें हिस्सा लेंगे और वहाँ से सीधा जो है सर्किट हाउस रवाना होंगे और शाम आला अधिकारी के साथ वाराणसी में चल रहे विकास परियोजनाओं का समीक्षा बैठक करेंगे और आला अधिकारी से बैठक करके देर रात जो है स्थलीय निरीक्षण भी करने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टेडियम का जो अंतिम चरण लगभग फाइनल बनने का वो तैयार है, इसको भी लेकर मुख्यमंत्री का जो है दौरा हो सकता है और देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर काल भैरव दर्शन करेंगे और फिर दूसरे दिन सुबह जो है वाराणसी से वापसी सुबह लखनऊ के लिए वापस हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया कि कई सारे कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है, बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी वो देंगे, तो आज ही ये सब कार्यक्रम या कुछ कार्यक्रम कल भी होने वाले हैं और क्योंकि बाबा विश्वनाथ धाम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, काल भैरव मंदिर भी जाएंगे, वहां भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, तो ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम आज या कल? जी बिल्कुल, आज रात देर रात में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, आज देर रात में जो है बाबा विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव जो है दर्शन करना है और उसके बाद कल सुबह वाराणसी से लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएगी। बिल्कुल, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे पर सभी की निगाहें काफी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई सौगातें वाराणसी को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र। वही राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हां, सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे माना जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। हालांकि इससे पहले जनता की अदालत भी मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी। जनता की अदालत में वो जनता से रूबरू हुए थे, जनता से उनके मुद्दे समझे थे और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, ये दोनों ही बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे। हालांकि किस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, किस मुद्दे पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है, ये 11 बजे पता चलेगा, क्योंकि सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। हालांकि मुद्दे अभी तक क्लियर नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उन्होंने स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने देश भर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए अधिवक्ताओं को खेल में टीम बनवाने का के महत्व के बारे में भी नसीहत दी। अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जिसका जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। एथलेटिक्स के रूप में आपने देखा होगा कि पारुल चौधरी जब दौड़ रही थी अंतिम क्षण में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और जब उससे पूछा गया कि भाई आप तो पीछे चल रही थी, अचानक
ऐसी कौन सी फुर्ती आप में आई कि आप चाइना के खिलाड़ी को पिछाड़ दें? उसने कहा कि मुझे अंतिम समय में याद आया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर गोल्ड मेडल जीतेगी तो सीधे डिप्टी एसपी पद प्राप्त होगा, तो मुझे डिप्टी एसपी पद प्राप्त करना था, इसलिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हमने उसको भी नियुक्ति पत्र दिया है। अब तक हम 500 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दे चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और एशियाड में भारत के लिए मेडल जीत करके भारत का गौरव बढ़ाया है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां यूपी के 8 विश्वविद्यालयों को मिलेंगे नए कुलपति। 5 विश्वविद्यालय में जल्द कुलपति की नियुक्ति होगी। 3 कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आवेदन आमंत्रित करने के बाद गठित होगी सर्च कमेटी। चयन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां यूपी के 8 विश्वविद्यालयों को नए कुलपति मिलेंगे। 5 विश्वविद्यालय में जल्द ही कुलाधिपति की नियुक्ति होगी जो राजभवन करेगा। 3 कुलपतियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। आवेदन आमंत्रित करने के बाद सर्च कमेटी का गठन होगा और चयन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय इन प्रस्तावों को भेजा जाएगा। वहीं यूपी के अमेठी हत्याकांड मामले को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। इस घटना के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्याकांड के पीड़ित परिवार के शनिवार को लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई थी। इस दौरान पीड़ित परिवार को 5 बीघा जमीन, कुल 38 लाख का चेक समेत अन्य आर्थिक मदद भी सौंपी गई है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान, विधायक मनोज पांडे और डीएम हर्षिता माथुर मौजूद रही। वहीं योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। से पूरे पीड़ित परिवार की भेंट भी कराई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो घटना में दोषी थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार की मदद के लिए उन्होंने 5 बीघे लगभग भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए दलित अधिनियम के तहत जो पीड़ित परिवार को मिलता है उसकी स्वीकृति हुई है। 5 लाख रुपये विवेकाधीन कोष से मिला है और इस तरह से एक मुख्यमंत्री आवास की जो योजना सरकार चला रही है वो आवास भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड, अंत्योदय का कार्ड और भी जो सुविधाएं सरकार की हैं वो सारी की सारी सुविधाएं पीड़ित परिवार को दी गई हैं। सरकार और माननीय योगी जी हमारी पूरी संवेदनशील सरकार है, पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। वही उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया, जहां लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से समय रहते ट्रेन रोक दी। आपको बता दें कि यहां से गुजरने सटल ट्रेन संख्या 04251 को देखकर एक अज्ञात डंपर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर भाग गया। गनीमत यह रही कि लोको पायलट ने समय रहते ये भाप लिया और ट्रेन रोक दी, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से ट्रैक से मिट्टी का ढेर हटाया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां पुलिस की गाड़ी 112 पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि मधुमक्खी के हमले से 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उनका प्राथमिक उपचार में कर दिया गया है और एक की थोड़ी हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, लेकिन सभी को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अभी सभी लोग एडमिट हैं। खबर बात
बांदा से है, जहां सरफरे आशिक ने विवाहित महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मनचला पीड़िता को परेशान कर रहा था। अपने मंसूबों में सफलता ना मिलने पर मनचले युवक ने पेट्रोल डालकर महिला को आग लगा दी। घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी मनचला युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पूरी घटना को अंजाम देने वाला मनचला युवक पीड़िता का मौसेरा भाई बताया जा रहा है। परिजनों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।